हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से। और ये जो नोटिफिकेशन आया, ये 23 नवंबर को रिलीज किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए, टेक्निकल डिपार्टमेंट पे जो है लेक्चरार की पोजीशंस को निकाला गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंट लेक्चरार की जो पोजीशन है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, वो निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये जो लेक्चरार का जो भी नोटिफिकेशन आया है, ये आया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जितने भी सब टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किए हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वहीं पे फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए भी जो है यहाँ पे लेक्चरार की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो अगर आप बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो देखिए यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन कर रखा है, सिविल इंजीनियरिंग के 12 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 5 है, अंग्रेजी के लिए 2 है, रसायन के लिए 5। तो देखिए यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए जो भी नंबर ऑफ पोस्ट है वही मेंशन कर रखा है। साथ ही जनरल SC ST OBC MBC WS के लिए भी कितनी कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे सारा जो है वो मेंशन किया जा रखा है। तो आपको यहाँ पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी पोजिशन है। अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं तो आप जो यहाँ पे एज अ जनरल आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो आपका यहाँ पे जो है आपका यूजी डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में इन रिलेवेंट ब्रांच विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे आपकी। और साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पे देखिए जो ग्रेड पॉइंट है वो मेंशन कर रखा है। अगर आपका ग्रेड पॉइंट 6.25 है तो आपका 55% मार्क्स, इक्विवेलेंट परसेंटेज अगर आपका 7.25 तो 65%। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका मार्किंग ग्रेड पॉइंट है तो आप देख सकते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट परसेंटेज वो कितना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए शैक्षणिक अर्थ संबंधी प्रावधान, तो यहाँ पे जो है आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करें ग्रेड पे की, तो यहाँ पे आपको जो ग्रेड पे मिलेगा वो 15,600 टू 39,100, यानी ग्रेड पे आपको आएगा 5,400 का ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एज जो है वो आपकी जो है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी एज जो होनी चाहिए बिटवीन 21 टू 40 होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की, अगर आप मेल कैंडिडेट है और आप SC ST अदर बैकवर्ड क्लास या मोर बैकवर्ड क्लास और राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर वुमेन कैंडिडेट है जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है और EWS कैटेगरी से, तो भी आपको 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आप वुमेन कैंडिडेट है और आप बिलोंग करती हैं SC ST या OBC या मोर बैकवर्ड क्लासेस की राजस्थान के, तो आपको यहाँ पे 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं विडो एंड डिवोर्सी वुमेन के लिए कोई भी यहाँ पे अपर एज लिमिट मेंशन नहीं की रखी है। तो चलिए हम देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या इसमें दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया जो होगी वो आपका जो है रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो एग्जाम आपका होगा वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, तो ये अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। आपका दोनों टाइप में किसी भी एक टाइप से आपका एग्जाम लिया जाएगा। और जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और जो परीक्षा स्थान है यानी कि जो आपका डेट ऑफ एंट्रेंस और जो आपका सेंटर रहेगा वो आपको जो है एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा। और जो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो करने की डेट है वो 28 टू 27 दिसंबर, यानी 28 नवंबर से 27 दिसंबर 2020 को रात 12 बजे तक जो है आप जो है अपना एप्लीकेशन जो है वो फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपको फिलअप करने का, आपको rpsc.rajasthan.gov.in पे जाके जो है अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ और चीज़ें कि अगर आप जो है आपका सपोज एप्लीकेशन फ़ी का जो डेट है वो चला गया है, यानी कि वो पास हो गया है, उसके बाद भी अगर आप 10 दिन तक फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 300 रुपीज़ जो है देना पड़ेगा, और उसके बाद भी आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 350 रुपीज़, वहीं अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर ऑफ राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपीज़, वहीं अगर आप SC ST या जो है PWD या फिजिकली हैंडीकैप से आप बिलोंग करते हैं राजस्थान से, तो आपको 150 रुपीज़ जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर, तो यहाँ पे देखिए 3 पेपर होंगे, पेपर 1, 2, 3। पेपर 1 में आपको जो है सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो 75 मार्क का रहेगा, उसका टाइम वो 3 आवर है। वहीं पेपर 2 में सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 25 मार्क्स, 3 आवर। और जो पेपर 3 आपका रहेगा वो रहेगा राजस्थान की जनरल स्टडी, तो इसमें आपको 50 मार्क्स का पेपर रहेगा और टाइम आपको 2 आवर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए 200 का टोटल मार्क्स रहेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू जो होगा वो 24 मार्क्स का लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए, तो 3 टाइम्स रहेगा,
ठीक है, अगर सपोज 40 वैकेंसी है तो जो है 120 लोग को यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब आपके सिलेबस की, तो सिलेबस जो है वो आपको RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा, तो आप कंटिन्यू उस पर विजिट करते रहिए, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि है कि नहीं है। तो अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं राजस्थान के, तो आपको OBC सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। SC से करते हैं तो आपको वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और आप ST से करते हैं तो भी आपको वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। और सिलेबस के लिए आप जो है RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है चेक कर सकते हैं, और RPSC वाले जो है उसमें जो सिलेबस जो है वो यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपके साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना चाहिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।